हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो को एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। इस मूवी की जो शुरुआत होती है वो लिविया मिजोनी से होती है, जो की कार्लो की वाइफ होती है। ये दोनों मिलकर एक आर्मी की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है हेलमेट, और ये लिविया का लवर होता है। और हेलमेट को देखने के बाद लिविया याद करती है कि वो दोनों कैसे मिले थे। उन दोनों का प्यार तब शुरू हुआ था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए थे और उसके बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद हेलमेट अपनी पेंटिंग को अपने सीनियर को दिखाता है और उसके बाद हेलमेट और लिविया एक साथ गाँव में घूमने के लिए चले जाते हैं और यहीं पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और उसके बाद यहीं पर देखते हैं कि एक सैनिक ने एक औरत को मार दिया होता है और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही दोबारा यहाँ पर बारिश होने स्टार्ट हो जाती है और काफी तेज बारिश होती है और उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और वो उसके बाद वो होटल रूम में जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं कार्लो लिविया से अपना प्यार हमेशा दिखाता रहता है लेकिन लिविया हमेशा उसको इग्नोर कर देती है और जब भी कार्लो इसके लिए मनाने की कोशिश करता है तो लिविया हमेशा मना कर देती है। और उसके बाद कार्लो अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगता है और यहाँ पर बोलता है लिविया को तुम इनसे घुल मिल लो, तो वहाँ पर लिविया इनकार करके इधर साइड चली जाती है और इसी बात पर कार्लो और लिविया काफी ज्यादा लड़ते हैं। और उसके बाद कार्लो अपनी वाइफ से बोलता है कि सिचुएशन काफी खराब हो गई और तुम यहाँ से चली जाओ, उसे काफी ज्यादा पैसे दे देता है। और उसके बाद लिविया हेलमेट से मिलती है और उसके साथ भागने के लिए कहती है। उसके पास जो पैसे होते हैं वो हेलमेट को दिखाती है और हेलमेट रिस्पॉन्स तो देता है कि उसके पास काफी ज्यादा पैसे होंगे लेकिन वो जाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। और एक दिन लिविया एक होटल में जाती है जहाँ पर उसका हेलमेट जो है किसी और लड़की के साथ होता है। सब देखने के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। और उसके बाद हेलमेट लिविया को वहाँ पर देखता है और उसके बाद वो होटल रूम में बुलाता है। उसके बाद हेलमेट लिविया से बोलता है कि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, बोलता है उसने हमेशा उसका इस्तेमाल ही किया। और उसके बाद वो बार में चली जाती है और यहाँ पर हस्बैंड उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर एक खबर निकल कर आती है कि हेलमेट गिरफ्तार हो चुका है देशद्रोह के आरोप में, क्योंकि SS की गुप्त इन्फॉर्मेशन आतंकवादियों को भेज दी होती है। और उसके बाद लिविया और कार्लो मिलकर दोनों हेलमेट के अरेस्ट को देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हेलमेट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद आर्मी वाले उसे गोली मार देते हैं। उसके बाद वहाँ पर हेलमेट की गर्लफ्रेंड आती है और उसके डेड बॉडी पर रोती है। ये सब देखने के बाद लिविया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।